एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हूँ मैं ऑटो बेस्ट एम्पोरियर में, आप ऊपर देख सकते हैं मेरे, और आज हम डिलीवरी लेने जा रहे हैं अपनी नई गाड़ी की, जो है मर्सिडीज CLA 220D प्रोग्रेसिव। तो चलिए चलते जाए शोरूम के अंदर और आपको गाड़ी दिखाता हूँ पहले, उसके बाद अपने घर वालों से भी थोड़ा बहुत बातचीत करा देते हैं। आज वीडियो बनाते 2 साल हो गया मगर आज तक किसी घर वालों को मैंने अपने दिखाया नहीं, तो चलिए चलते हैं और चलते चलते थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं पहले। तो गाड़ी का प्लान काफ़ी टाइम से हो रखा था, एक अच्छी एक लग्जरी क्लास में जैसे मर्सिडीज़ वगैरह आ जाती है, मगर कभी चांस नहीं लग पा रहा था वाली गाड़ी लेने का। तो फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस टाइम आ चुका है और चांस मिल चुका है एक मर्सिडीज़ घर पे लाने का। तो चलिए चालू करते हैं काम अपना और पहले आपको दिखा देते हैं अपनी किया कहाँ पे खड़ी है। तो ये खड़ी अपनी किया, ये रही, ऐसी बात नहीं है, इसको हम डिसोल्व कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम इससे, मगर मैं ही चलाते हुए घर ले जाऊंगा इसको। तो वापस आ जाते हैं अपने पे, तो चलते हैं आपको शोरूम के अंदर चलते हैं और आपको थोड़ी पहले गाड़ी दिखा देता हूँ कि कौन सी है कैसी है। ये एक इधर खड़ी है ई क्लास, मगर ये नहीं ली हमने, ई क्लास अच्छी नहीं लगती पर्सनली मेरे को। चलिए शोरूम, ये रहा बैक साइड पर ये शोरूम है, यहाँ पर लिफ्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से गाड़ी उतरेगी। तो ऊपर चलते हैं, आपको गाड़ी दिखा दूँ पहले मैं। तो शोरूम के अंदर हम आ चुके हैं और आपको गाड़ी मैं पहले दिखाऊँ, तो गाड़ी आपको ये पीछे दिख रही होगी। तो ये है दी मर्सिडीज CLA 220D। सो वैसे जनरली मैं तो अपनी किया सेल्टोस से चलाऊंगा, बट ये वाली गाड़ी मेरे बड़े भाई को बिलोंग करेगी एक तरीके से, ओनरशिप बड़े भाई को जाएगी इसकी। तो आपको गाड़ी का अंदर से भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, बट भाई से भी पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं। भाई को कॉन्ग्रेट्स कर, अरे दिख नहीं रहा मैं ना, आप दिख रहा हूँ, तो भाई को भी थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह कर लेते हैं। काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी मेहनत के बाद ये गाड़ी खरीदी है बड़े भाई ने। तो बड़ा भाई, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो फॉर 3 साल के बाद, फाइनली 3 साल मेहनत के बाद ये रही बड़े भाई की गाड़ी। और अभी देखते हैं, एक टेस्ट ड्राइव भी लेंगे, इसके ऊपर फुल रिव्यू मैं बनाऊंगा थोड़े टाइम बाद जब मेरे को टाइम मिलेगा। अभी टाइम नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में कम से कम ही बाहर निकलना है हमने, यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग कम है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे काफ़ी ज़्यादा। तो मैं आपको अंदर से थोड़ा सा लुक दिखाता हूँ गाड़ी का, फुल रिव्यू अभी ये नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वुड फिनिश पूरी सेंटर में, सेंटर कंसोल में ड्यूअल डिस्प्ले आपको मिल जाती है, मर्सिडीज़ बेंज से ग्लो कर रहा है और पेडल लैंप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी चल नहीं रहे होंगे, अभी नहीं चल रहे, बट नीचे आपको एक और लैंप मिल जाएगा। गाड़ी में बैठ के देखते हैं, ओ तो काफ़ी नीचे है गाड़ी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह, काफ़ी अच्छी फील आएगी अली गाड़ी चलाने में। और मर्सिडीज़ का लोगो बीच में, गियर चेंज करने के लिए डायल देता है, काफ़ी सेक्सी डायल है। और ये टच पैड इधर का, ये सेंटर कंसोल ऐसे खुलेगा बीच में से। बाकी फुल रिव्यू के लिए आप बने रहिएगा चैनल पे, फुल रिव्यू जल्द ही आएगा और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि लॉकडाउन खुलते ही 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं फुल रिव्यू इसका बना दूँ। बट मेरे को पहले फुल रिव्यू से पहले इसको थोड़ा चलाना पड़ेगा, इसकी पावर को जानना पड़ेगा और इसके सस्पेंशन सेटअप, जो राइडिंग डायनामिक्स है उसको जानना पड़ेगा। मगर बी स्टे ट्यून फॉर दैट, स्टे ट्यून फॉर द फुल वीडियो ऑफ दिस न्यू कार। बाकी अगर आपने मेरी किया सेल्टोस का फुल रिव्यू नहीं देखा तो आपको इधर आ रहा होगा ऊपर, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, उस पर काफ़ी मेहनत करी थी, फुल वॉक अराउंड रिव्यू भी है और फुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए गाड़ी को उतरवाते हैं नीचे लिफ्ट से और आपसे आगे मिलते हैं बाद में। थोड़ी बहुत बात आपको, आपके साथ मैं किया में बैठे हुए भी करूँगा अपने आगे के व्लॉग्स के बारे में, और ऐसे मेरे को व्लॉग्स बनाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और साथ में स्क्रीन है तो मैं शायद स्क्रीन को बार बार देख रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट आई विल श्योरली गेट बेटर एंड काफ़ी सारा कॉन्टेंट प्लान करा हुआ है, उसके बारे में किया में जाके बात करेंगे आपसे। तो चलिए किया में चलते हैं, और लेकिन उससे पहले गाड़ी को नीचे उतरवाते हैं और डिलीवरी लेते हैं मेन गाड़ी की। गाड़ी उतरने का टाइम आ चुका है, यहाँ पे लिफ्ट आप देख सकते हैं इधर पीछे की तरफ, ये रही जहाँ से गाड़ी उतरेगी। साउंड्स गुड, काटो किसी जान लो तो फर्स्ट टाइम अंडर डे लाइट, तो चलिए अब आपसे थोड़ी देर बाद बात करते हैं किया में चलते हुए। तो ये रही चाबी मिल गई क्या की, ये भी घूम कर आएगी आगे से घूम कर गाड़ी आएगी तो उसमें बैठेंगे। तो मर्सिडीज तो जा रही है घर, हम किया पे जाएंगे, ये रही अपनी
मर्सिडीज ये रही आ रही पीछे, आ जाओ वेट मत कराओ, मेरे को हाथ दर्द हो जाता है ज़्यादा तो खड़ा रखने में गाड़ी को। बाकी किया को भी थक गया आज, काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है एक तो, बट किया भी चल जल्दी भी बात करते हैं आपसे, किया ऑलवेज माय फेवरेट। तो कहा ये रही ये जा रही, बाय मिलते घर पे। किया में बैठते हैं, किया में बैठे हुए आपसे बात करते हैं, और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्म हो चुकी है, मेरे को बहुत घुटन हो रही है यहाँ पे, तो गाड़ी ऑन कर लेते पहले, बहुत ज़्यादा घुटन गर्मी हो रही है। सो हम वापस आ चुके हैं अपनी किया में, और गाड़ी चलाते हैं, ब्लॉग करने की आदत नहीं है बट काफ़ी लोग करते हैं, बट मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी कोई इतनी, इतनी गाड़ी चलानी तो आती है। सामने चल रही है अपने मर्सिडीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, नई गाड़ी आई है घर में। और किया तो अपनी यार देखो एवरग्रीन गाड़ी है ही, किया से तो कोई मेरे हिसाब से 20 लाख में तो कोई मुकाबला है नहीं, किया के मुकाबले। ये पीछे ही सनब्लाइंड ऊपर कर रहे हैं, ये मर्सिडीज के थोड़े बहुत पर्क्स हैं जो किया में नहीं मिलेंगे। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, वो तो आपको पता ही है लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो उस वजह से मैं व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं डाल पा रहा था, तो कोरोना अभी भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप कम से कम ही निकले मत ही, मतलब कम से कम का निकलो ही मत, जितना कम निकलोगे उतना ही बेटर है आपके, आप सबके लिए, आपकी फैमिलीज के लिए भी। तो मैंने वाइजर खोल दिया ऊपर का, थोड़ी लाइट आएगी, वॉक करने में आसानी होगी मेरे को भी और आपको भी दिखेगा। बाकी बढ़िया दिन जा रहा है अभी तक, तो अभी थोड़ा बहुत किया में भी पेट्रोल की तंगी हो रही है, इसलिए भी पेट्रोल भरवाना है, बट चलो आपसे थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। बात आती है कि आगे जाके कैसे लोग जाने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत अपना स्विचअप करूँ, अभी तक मैं सिर्फ गाड़ी वगैरह के ब्लॉग डालता हूँ, बट अब मैं क्या कहते हैं ऐसे ब्लॉग्स भी डालूंगा गाड़ी चलाते हुए आपसे बात करते हुए, और डेली ब्लॉग्स टाइप थोड़े बहुत आप समझ जाएंगे, जैसे काफ़ी लोग करते हैं। मुंबई करने के लिए नहीं बनूंगा मैं, टेंशन मत लेना, गाड़ी वगैरह गाड़ियों पर ब्लॉग्स आएंगे, बाइक्स पर बहुत सारे ब्लॉग्स आएंगे, अभी नई मर्सिडीज का भी मैं रिव्यू बनाऊंगा जल्दी से जल्दी। बाकी अभी एक ट्रिप प्लान करी है मैंने, उसके ऊपर भी आपको काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, बहुत मजा करने वाले हैं उसमें। तो मैं थक चुका हूँ बोलते हुए, और मेरे को हाथ में भी दर्द हो चुका है कैमरा पकड़े हुए, बहुत देर से पकड़ा हुआ है मैंने। सो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दिस इज फॉर द रिपर साइनिंग आउट, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।